नमस्कार मित्रों, सबसे पहले तो सच्चे हृदय से लिख दीजिए जय करवा चौथ माता और करवा चौथ की। इस वीडियो को सच्चे हृदय से, सच्चे मन से एक लाइक जरूर करें। आज की वीडियो बेहद ही खास होने वाली है उन सुहागन के लिए जो करवा चौथ का व्रत रखने जा रही है। हिंदू धर्म में करवा चौथ का एक अलग ही महत्व बताया गया है। करवा चौथ पर भूल कर भी ना करें, ये गलतियां नहीं तो नहीं मिलेगा। पूजा का फल करवा चौथ का व्रत भी रख लिया, पर इस वीडियो को अपने नहीं देखा तो आपको करवा चौथ का व्रत रखने का कोई फल नहीं प्राप्त होगा और आपको इससे नुकसान ही हो सकता है। इसलिए करवा चौथ के व्रत से पहले इस महायोग टीवी चैनल की वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, नहीं तो आपको पूरी जिंदगी पछताना पड़ सकता है। क्योंकि करवा चौथ के टाइम कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक सुहागन कर देती है। इसलिए आप सभी को हम बता दें कि भूल कर भी हर सुहागन को नहीं करनी चाहिए यह गलतियां, क्योंकि करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। इसलिए इस दिन कुछ भी एक भी ऐसी गलती किसी भी सुहागन स्त्री को नहीं करना चाहिए। मित्रों, जो कि आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है सच्चे हृदय से इस वीडियो को पूरा देख लेना और एक भी वह गलती आप भूल कर भी ना करें, नहीं तो आपको लगता है घोर पाप और पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाता है। इसलिए भूल कर भी ना करें। करवा चौथ के दिन यह गलतियां चली जान लेते हैं। बारी बारी से सभी जानकारी को हम हिंदू धर्म के सभी पर्व अध्यात्म के साथ ही मानवीय रिश्तों से भी जुड़े होते हैं। सुहागिन स्त्रियों का ऐसा ही बेहद खास त्योहार है करवा चौथ। जब महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना हेतु व्रत और पूजा अर्चना करती हैं, इस दिन महिलाएं सूर्योदय से लेकर शाम तक व्रत रखती हैं और रात को चांद देखने के बाद पति के हाथों पानी पीकर व्रत तोड़ती हैं। चूंकि ये व्रत महिलाएं अपने सुहाग के लिए रखती हैं, ऐसे में इस व्रत का पालन बहुत सावधानी पूर्वक और नियमों के साथ किया जाता है। आज हम आपको इसी बारे में बताने जा रहे हैं कि करवा चौथ पर किस किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। करवा चौथ पर सरगी किस समय खाना चाहिए। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत शुरू करने से पहले सरगी खाई जाती है। सरगी सूर्योदय से पहले किया जाता है। करवा चौथ में सूर्योदय से करीब 2 घंटे पहले सरगी खा लें। करवा चौथ के दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:25 है। करवा चौथ का व्रत काफी कठिन माना जाता है, ऐसे में व्रत करने से पहले सरगी इसलिए खिलाई जाती है ताकि उन्हें व्रत के दौरान किसी तरह की कठिनाई न हो। और चांद निकलने का समय कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आरंभ 20 अक्टूबर को सुबह 6:46 से कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी समाप्त 21 अक्टूबर को सुबह 4:16 पर करवा चौथ पूजा मुहूर्त 20 अक्टूबर को शाम 5:46 से शाम 7:02 तक करवा चौथ के दिन चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को शाम 7:54 पर एक अन्न और जल ग्रहण न करें। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सरगी खाकर व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण न करें, वरना आपका व्रत टूट जाएगा और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। 2. सुहाग सामग्री का दान न करें। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है। इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की गई सुहाग से जुड़ी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को न करें। 3. चंद्र अर्घ्य के बिना पारण न करें। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसक बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण न करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद न दिखे तो ज्योतिष उपाय करके पूजा और अर्घ्य दें, उसके बाद पारण करें। माताएं, बहनों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए, या फिर आप लिख सकती हैं जय मां पार्वती तो आप जरूर ही लिख दीजिए। और सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हर एक सुहागन के पास यह वीडियो जरूर भेजिए, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे भी हम आपको बता देती हैं कि 4 दिन में न सोएं।
करवा चौथ व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको छूट होती है। 5. काले कपड़े न पहने करवा चौथ अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े न पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के कपड़े पहन सकती हैं। लाल और गुलाबी को ज्यादा शुभ माना जाता है। 6. करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप शाम के समय में माता गौरी की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना न भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा होगा और उसका महत्व भी पता चलेगा। 7. सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। करवा चौथ की पूजा के बाद अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना न भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वे खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देंगी। आपके पति की आयु बढ़ेगी। आप सभी को यह जानना भी बेहद की जरूरी और खास है कि किन महिलाओं को नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ का व्रत गर्भवती महिलाएं। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का शरीर कई बदलावों से गुजरता है। इस दौरान व्रत रखना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। गर्भवती महिलाओं को भरपूर पोषण की आवश्यकता होती है जिसे व्रत रखने से पूरा नहीं किया जा सकता। साथ ही पूरे दिन बिना पानी के रहना शिशु और मां दोनों के लिए हानिकारक हो सकता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शिशु को स्वस्थ रखने के लिए मां को सही मात्रा में पोषण की जरूरत होती है, लेकिन उपवास करने की वजह से शरीर में पोषण की कमी हो सकती है, जिससे मां के साथ साथ बच्चे की सेहत पर भी असर पड़ सकता है। डायबिटीज। जिन महिलाओं को डायबिटीज है उन्हें भी व्रत नहीं करना चाहिए। उपवास में रहने से ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित नहीं रहता, इसकी वजह से उन्हें परेशानी हो सकती है। शुगर लेवल ज्यादा कम होना भी खतरनाक हो सकता है किडनी की बीमारी। जिन महिलाओं को किडनी से जुड़ी कोई समस्या हो उन्हें करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। पूरे दिन बिना पानी के रहने की वजह से किडनी पर प्रभाव पड़ता है। इसकी वजह से किडनी से जुड़ी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं, क्रॉनिक बीमारियां। जिन महिलाओं को कैंसर या कोई अन्य क्रॉनिक बीमारी है तो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। उपवास करने की वजह से उनकी सेहत को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में दवा न लेने की भूल तो बिल्कुल न करें। पेट से जुड़ी समस्या। जिन महिलाओं को अल्सर या गंभीर एसिड रिफ्लक्स की समस्या है उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। ज्यादा समय तक खाली पेट रहने से ये समस्याएं और गंभीर हो सकती हैं। दिल की बीमारी। जिन महिलाओं को दिल से जुड़ी कोई परेशानी हो उन्हें भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। पूरे दिन बिना खाना और पानी के रहने से धमनियां सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ता है। ये कंडीशन घातक साबित हो सकती है। शारीरिक कमजोरी। जिन महिलाओं का वजन ज्यादा कम हो या एनीमिया जैसी कोई डेफिशिएंसी डिजीज हो उनके लिए भी उपवास करना ठीक नहीं है। अब हम आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण वक्त जानकारी बताने जा रही है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक और सच्चे मन से आगे भी इस वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक आपने जय करवा चौथ माता ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दीजिए। और चलिए आप हम आपको बता देते हैं कि पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं की माने तो आप पीरियड्स के दौरान यदि करवा चौथ का व्रत करती हैं तो इसके कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं होते हैं। ज्योतिष आपको ऐसी कोई सलाह नहीं देता है कि पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का व्रत न रखें। यदि आपको व्रत शुरू करने के बाद पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो आपको व्रत तोड़ने के बजाय रात में चांद दिखने तक इसका पालन करना चाहिए। ऐसे ही यदि आपको पहले से ही पीरियड्स हो रहे हैं तब भी आप करवा चौथ का उपवास पूरे श्रद्धा भाव से रख सकती हैं। ज्योतिषाचार्य सिद्धार्थ एस कुमार बताते हैं कि ज्योतिष में ऐसी कोई भी बात नहीं है कि आपको पीरियड्स के दौरान करवा चौथ का उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन कुल परंपरा अनुसार इस मान्यता में परिवर्तन भी किया जा सकता है और वही शास्त्र सांगत माना जाता है कि आप पीरियड्स के दौरान करवा चौथ की पूजा की जा सकती है। यदि हम ज्योतिष की माने तो पीरियड्स के दौरान किसी भी पूजा पाठ की मनाही होती है,
लेकिन चूंकि करवा चौथ साल में एक बार आता है और आपको करवा चौथ की पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, हालांकि आप स्वयं ये पूजा न करें, इस दिन आप घर की किसी अन्य महिला से आग्रह करें कि वो आपके स्थान पर करवा चौथ की पूजा आकर और आप पूजा के स्थान से थोड़ा दूर बैठकर पूजा में शामिल हो जाएं। हालांकि आप पीरियड्स के दौरान भी चांद को अर्घ्य दे सकती हैं और चांद के छलनी से दर्शन करके उपवास खोल सकती हैं। पीरियड्स के दौरान कैसे करें करवा चौथ की पूजा और उपवास? यदि आपको करवा चौथ के आसपास या उसी दिन पीरियड्स आ जाएं, तो आप सर्गी खाएं और बड्ढों का आशीर्वाद लेकर व्रत आरंभ करें। पूरे दिन निर्जला उपवास का पालन करें और रात के समय पूजन में शामिल हो जाएं। इस दिन आप 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं और अपनी पसंद के नए गहने और कपद्दीढ़े भी पहन सकती हैं। हालांकि पीरियड्स के दौरान आपको मंदिर नहीं जाना चाहिए और पूजा के किसी भी सामान का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। इस दिन आप करवा चौथ की पूजा का सामान या कथा की किताब का स्पर्श करने से बचें, लेकिन आप किसी अन्य महिला से इस व्रत की कथा अवश्य सुनें। यदि आपके घर में कोई अन्य महिला मौजूद नहीं है, तो आपके स्थान पर आपके पति भी पूजा के सभी नियमों का पालन करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी को एक दूसरे का पूरक माना जाता है और इससे पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। करवा चौथ पूजन समाप्त होने के बाद पति के हाथ से पानी पिएं और व्रत खोलें। पीरियड्स के दौरान व्रत किन परिस्थितियों में नहीं रखना चाहिए? यदि आपको पीरियड्स के दौरान किसी भी तरह की समस्या होती है, तो आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान व्रत या उपवास करने से बचें। यदि आप निर्जला व्रत करती हैं, तो सर्गी में काफी मात्रा में पानी पिएं, जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे, और सूखे मेवे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। यदि संभव हो तो आप निर्जला व्रत न करके बीच बीच में पानी पीते रहें या फलाहार का पालन करें। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ व्रत करने से पहले आप चिकित्सक की सलाह भी ले सकती हैं। पीरियड्स के दौरान करवा चौथ व्रत का पालन करना आपकी व्यक्तिगत पसंद है और ज्योतिष में व्रत करने की मनाही नहीं है। व्रत के दौरान ना करें ये गलतियां। व्रत के दौरान सर्गी में आप फ्रेश फ्रूट्स को जरूर जोड़ें। रखे हुए फल सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट्स के रूप में आप केला, अमरूद, चीकू, नाशपाती, अनार आदि को जोड़ सकते हैं। यह फल न केवल सेहत के लिए उपयोगी होते हैं, बल्कि इनमें कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो लंबे समय तक पेट को भरा हुआ महसूस करवा सकते हैं। महिलाएं सर्गी के दौरान तेल वाली चीजों को लेते हैं, जिसके कारण उनका पेट खराब हो सकता है और उनकी सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ज्यादा मात्रा में तेल की चीज खाने से या खाली पेट तेल की चीजों का अपनी डाइट में जोड़ने से न केवल एसिडिटी की समस्या हो सकती है, बल्कि महिलाएं कब्ज की समस्या का भी सामना कर सकती हैं। ऐसे में महिलाओं को सर्गी में तेल वाली चीजों को खाने से बचना चाहिए। कुछ महिलाएं करवा चौथ का व्रत निर्जला रखती हैं, लेकिन निर्जला व्रत सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। पानी की कमी के कारण महिलाओं को सिर दर्द, शरीर का तापमान बढ़ना, चेहरा लाल होना, शरीर से तपन निकलना आदि लक्षण नजर आ सकते हैं। ऐसे में महिलाओं को डिहाइड्रेशन से बचने के लिए भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। डिहाइड्रेशन के अलावा पानी की कमी के कारण व्यक्ति को सीने में जलन, एसिडिटी की समस्या भी हो सकती है। अक्सर महिलाएं व्रत के दौरान सर्गी लेते वक्त ज्यादा मात्रा में खाना खा लेती हैं, लेकिन ऐसा करना भी पेट में दर्द, एसिडिटी की समस्या का सामना करा सकता है। सीमित मात्रा में ही भोजन करें, इससे आप उल्टी, घबराहट, पेट में दर्द, गैस, अपच आदि से बच सकती हैं। सर्दी के दौरान महिलाएं मीठी चीजों का सेवन अधिक मात्रा में करने से बचें। मीठी चीजें न केवल घबराहट महसूस करवा सकते हैं, बल्कि इससे शरीर में शुगर लेवल भी बढ़ सकता है। ऐसे में व्रत के दौरान मीठी चाय, जूस का ज्यादा सेवन करने से बचें। इसके कारण कमजोरी भी महसूस हो सकती है। महायोग टीवी चैनल आपको कभी कोई गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर ही लिख दीजिए। जय करवा चौथ माता। जानिए करवा चौथ की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, साथ ही पूजा में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन भगवान शिव, माता गौरी और गणेश जी की पूजा का विधान है।
आज के दिन पूजा के लिए घर के उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके लकड़ी का पाटा रखकर उस पर शिवजी, मां गौरी और गणेश जी की प्रतिमा, तस्वीर या चित्र रखने चाहिए। बाजार में करवा चौथ की पूजा के लिए कैलेंडर भी मिलते हैं और जिस पर सभी देवी देवताओं के चित्र बने होते हैं। इस प्रकार देवी देवताओं की स्थापना करके पाटे की उत्तर दिशा में एक जल से भरा लोटा या कलश स्थापित करना चाहिए और उसमें थोड़े से चावल डालने चाहिए। अब उस पर रोली, चावल का टीका लगाना चाहिए और लोटे की गर्दन पर मौली बांधनी चाहिए। कुछ लोग कलश के आगे मिट्टी से बनी गौरी जी या सुपारी पर मौली लपेटकर भी रखते हैं। इस प्रकार कलश की स्थापना के बाद मां गौरी की पूजा करनी चाहिए और उन्हें सिंदूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन चीनी से बने करवे का भी पूजा में बहुत महत्व होता है। कुछ लोग मिट्टी से बना करवा भी रख लेते हैं। आज के दिन चार पूड़ी और चार लड्डू तीन अलग अलग जगह लेकर एक हिस्से को पानी वाले कलश के ऊपर रख दें, दूसरे हिस्से को मिट्टी या चीनी के करवे पर रखें और तीसरे हिस्से को पूजा के समय महिलाएं अपने साड़ी या चुनरी के पल्ले में बांध लें। कुछ जगहों पर पूड़ी और लड्डू के स्थान पर मीठे पूड़े भी चढ़ाए जाते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार चुनाव कर सकते हैं। आप सभी को हम बता दें, हमारा मकसद है जनसेवा, जन कल्याण करना, यानी कि हर एक नागरिक को यह जानकारी को बिल्कुल की फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हर एक माता बहन के पास महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। अब देवी माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और उनकी कथा पढ़ें। महायोग टीवी चैनल कभी कोई गलत जानकारी आप सभी को नहीं देता है, इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार पूजा के बाद अपनी साड़ी के पल्ले में रखे प्रसाद और करवे पर रखे प्रसाद को अपने बेटे या अपने पति को खिला दें और कलश पर रखे प्रसाद को गाय को खिला दें। बाकी पानी से भरे कलश को पूजा स्थल पर ही रखा रहने दें। रात को चंद्रोदय होने पर इसी लोटे के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और घर में जो कुछ भी बना हो उसका भोग लगाएं। इसके बाद व्रत का पारण करें, करवा चौथ पर करें। ये उपाय आज के दिन एक कोरा कागज लेकर उस पर लाल पेन से अपना और अपने पति का नाम लिखिए। अब उस कागज के साथ ही 5 कौड़ियां और 5 साबुत हल्दी एक सफेद कपड़े में बांधकर पोटली बना लें और उसे अपनी अलमारी में रख लें। ऐसा करने से आपको अपने जीवन में सुख सौभाग्य और धन धान्य की प्राप्ति होगी। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए आज के दिन गाय माता को रोली का तिलक लगाएं और उन्हें स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लें। साथ ही गाय माता को भीगी हुई चने की दाल का भोग लगाएं और हल्दी लगी हुई लाल और सफेद मोती की माला पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की उम्र लंबी होगी और आपके जीवन में उनका साथ हमेशा बना रहेगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आज के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करें, साथ ही देवी मां के मंदिर में श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करने से आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। अगर आप अपने रिश्तों में मधुरता लाना चाहते हैं तो आज के दिन तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं। ऐसा करने से आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। अगर आप परिवार का प्रेम और सहयोग पाना चाहते हैं तो आज के दिन हल्दी की 5 गांठें लेकर श्री गणेशाय नम मंत्र बोलते हुए श्री गणेश भगवान को अर्पित करें। ये उपाय करने से आपको परिवार का प्रेम और सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप अपने लवमेट के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन शिवजी और मां गौरी की पूजा करें और अपने लवमेट को लाल रंग का कोई कपड़ा गिफ्ट करें। ऐसा करने से लवमेट के साथ आपके संबंध बेहतर बने रहेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन श्री गणेश भगवान को घी और गुद्धा का भोग लगाएं, साथ ही उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है वक्रतुंडाय हूं। इसके अलावा अपने जीवन साथी को 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाएं। ऐसा करने से आपके जीवन साथी की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और उन्हें धन लाभ होगा। अगर आप अपने मन की किसी विशेष इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव, गौरी और गणेश जी की पूजा के समय थोड़ी हल्दी की गांठ को पानी की सहायता से पीस लें
और उससे पूजा स्थल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। फिर बची हुई हल्दी से अपने मस्तक पर तिलक लगाएं। ऐसा करने से आपकी मन की इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अगर जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का मतभेद चल रहा है तो मतभेद को दूर करने के लिए और आपसी प्यार को बढ़ाने के लिए आज के दिन 11 गोमती चक्र लेकर उन्हें लाल सिंदूर से रंग कर एक डिब्बी में डालकर घर में कहीं छुपाकर रख दें। ये उपाय करने से जल्द ही आपके बीच का मतभेद दूर हो जाएगा और आपके बीच फिर से प्यार स्थापित हो जाएगा। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप सभी के लिए हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से लाती रहे और आप इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठाएं। हर एक सुहागन के पास एक वीडियो को शेयर करें, हर एक माता बहन के पास शेयर करें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए व्हाट्सएप पर हर एक माता बहन को शेयर करें, जिससे कि सभी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और सच्चे दिल से अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल की वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय करवा चौथ, जय करवा चौथ माता। धन्यवाद माताएं बहनों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।